हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 11 फिजिक्स वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि आज बेसिकली हम लोग तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम लोग वेक्टर को, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी जो हमारा दिया हुआ है उसको दो कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं वो पढ़ेंगे। सेकेंड जो होगा हमारा टॉपिक वो होगा यूनिट वेक्टर। थोड़ा और क्लैरिटी के साथ हम लोग यूनिट वेक्टर को देखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। और थर्ड टॉपिक होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में सबसे फर्स्ट टॉपिक डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग यही तीन टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ना। मान लीजिए यहां एक वेक्टर है, मान लीजिए ये फोर्स है। फोर्स कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या है? ये है हमारा वाई डायरेक्शन, ये है एक्स डायरेक्शन। हम बोले इस फोर्स वेक्टर का रिजोल्यूशन निकालिए। मतलब क्या? इस फोर्स वेक्टर का कंपोनेंट निकालिए इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। इस फोर्स वेक्टर का क्या निकालना है? कंपोनेंट निकालना है इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है तो सबसे पहले उससे म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना जरूरी है। ठीक है, जैसे हम सब पहले एक बात समझते हैं, ये फोर्स जब इस ओर बढ़ रहा होगा, इस तरफ बढ़ रहा होगा, तो ये फोर्स जब ऐसे की ओर जा रहा होगा तो इसमें कुछ ना कुछ एक्स डायरेक्शन की ओर इंक्रीज हो रहा होगा और कुछ ना कुछ वाई डायरेक्शन की ओर भी इंक्रीज हो रहा होगा। जब फोर्स ऐसे जा रहा होगा तो कुछ ना कुछ एक्स डायरेक्शन की भी ओर इंक्रीज हो रहा होगा और कुछ वाई डायरेक्शन की ओर भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो उसी एक्स और वाई डायरेक्शन में हमको क्या करना है? इसका कंपोनेंट निकालना है। तो हम इसका क्या करते हैं, इसे मार्क करते हैं ए बी सी डी और इसको ले लेते हैं एंगल थीटा। अब हम दो कंपोनेंट निकालेंगे फोर्स का, एक तो जो कि x डायरेक्शन में और एक जो y डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले x डायरेक्शन का कंपोनेंट निकालते हैं। तो x डायरेक्शन का कंपोनेंट निकालना है, ये है f और ये x डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो cos थीटा क्या होता है? इन ट्राइंगल ए बी सी cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cos थीटा होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। यहां पे बेस क्या है? ए बी, और हाइपोटेनस क्या है? एफ। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय एफ, एफ cos थीटा इज इक्वल टू ए बी। मतलब एक कंपोनेंट हमको क्या मिल गया? एफ cos थीटा। ए बी क्या है? एफ का कौन सा कंपोनेंट है? एफ cos थीटा। अब जो है हमको AD चाहिए, तो ये AD जो है ये BC के इक्वल है। फिगर के अनुसार AD क्या हो रहा है? BC के इक्वल हो रहा है। तो अगर हम लोग BC निकाल लेते हैं तो AD ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। और यहां पे परपेंडिकुलर क्या है? CB। और यहां हाइपोटेनस क्या है? वही F। तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां वेक्टर दे देना होगा, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू सी बी। और सी बी अभी किसके इक्वल लिखे हैं? एडी के। तो एडी इज इक्वल टू व्हाट? एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो हम देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में एफ का कंपोनेंट क्या है? एफ कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है इसका? एफ साइन थीटा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का जब दो कंपोनेंट निकालना होगा तो उसका दो अलग अलग डायरेक्शंस में उसका कंपोनेंट निकलता है। और हमेशा ये नहीं है कि ये जो बेस है यही हमेशा कॉस थीटा होगा और ये हमेशा साइन थीटा होगा। ये थीटा जो है वो डिस्क्राइब करेगा कि कौन कॉस बनेगा कौन साइन। कभी भी ये थीटा रहे तो जो थीटा से बेस बना रहा है वो हमेशा कॉस बन जाएगा और उसका जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो हमेशा साइन रहेगा। जैसे एक और देखते हैं, ठीक है, हम लोग इस फिगर में थीटा इधर है,
तो एफ का कंपोनेंट अब हमको निकालना है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो जिससे थीटा एंगल बना रहा है वो एफ का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का कंपोनेंट, और जिससे परपेंडिकुलर जा रहा है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का कंपोनेंट। तो हमेशा क्या हो जाएगा, थीटा इज द एंगल इज द डिसाइडिंग फैक्टर, एंगल क्या हो जाएगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और ये हमेशा जरूरी नहीं है कि वो एक्स और वाई की डायरेक्शन में रहे, कभी भी किसी का कंपोनेंट निकालना है अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उसका कंपोनेंट निकल सकता है। जैसे कि हम लोग ये देखे थे फिगर नाइन्थ वाइन्थ में, हम लोग इससे देखे होंगे कि ये एम जी है, तो ये फोर्स किधर लगा रहा है, इस तरफ, ठीक है, ये फोर्स किधर लगा रहा है, इस तरफ। तो इसका अगर हमको दो कंपोनेंट निकालना है तो एक इसका कंपोनेंट ऐसे जाएगा और एक इसका कंपोनेंट 90 डिग्री में ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको अगर इमेज को क्लियर करते हैं तो हम क्या देख सकते हैं, mg cos थीटा, mg sin थीटा, क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो एक्स और वाई के ही डायरेक्शन में हो, अगर कोई भी क्वांटिटी दिया हो और उसको अगर हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर देते हैं दो अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसके बाद हम लोग उसका आसानी से क्या निकाल सकते हैं, कंपोनेंट निकाल सकते हैं। इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और जरूरी नहीं है कि वो एक्स और वाई डायरेक्शन में ही हो, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जब टाइप्स ऑफ वेक्टर कर रहे थे तो उसमें यूनिट वेक्टर का बात किए थे कि जिसका यूनिट का मतलब होता है यूनिटी की, जिसका वैल्यू वन हो। बट यूनिट वेक्टर एक्चुअली क्या होता है, हम जैसा कि जानते हैं कि वेक्टर, वेक्टर को लिखने के लिए हम लोग को दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और उसमें क्या इंटू हो जाता था, डायरेक्शन। वेक्टर कैसे लिखा था, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को साथ में लिखते थे तभी वो क्वांटिटी क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होता था, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। तब क्या हुआ कि हमें डायरेक्शन लिखना था तो हम किसी भी वेक्टर को, मान लीजिए ए वेक्टर को लिख रहे थे, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मॉड ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख देते थे, और उसके साथ हमको डायरेक्शन भी इंटू करना था। तब डायरेक्शन क्या ऐसा दे, या डायरेक्शन में कौन सा ऐसा पार्ट इंटू करे कि वेक्टर चेंज ना हो, वेक्टर क्या हो, चेंज ना हो। तो इसीलिए हम लोग एक नए तरह का वेक्टर एस्टेब्लिश किए थे जिसका नाम था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के कारण क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ जब यूनिट वेक्टर इंटू होता है तो इससे क्या हमको मदद मिलता है, इससे हमको डायरेक्शन का भी पता चल जाता है और प्लस में वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। और हम बताए थे कि यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, उसका साइन क्या होता है, कैप के रूप में। तो यूनिट वेक्टर का बेसिकली काम क्या है कि इट गिव्स डायरेक्शन, ये क्या देता है, डायरेक्शन देता है, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। यूनिट वेक्टर लगाने का मतलब है कि क्या मिल जाएगा, हमें डायरेक्शन में मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड के साथ ऐसा कुछ ऐसा क्वांटिटी इंटू करना था जो कि डायरेक्शन भी दे दे और वेक्टर को नहीं चेंज करे, तो क्या लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर ले लिए कि जो ले लेंगे तो हमें डायरेक्शन भी मिल जाएगा प्लस में वेक्टर चेंज नहीं होगा। और यूनिट वेक्टर का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और यही था यूनिट वेक्टर, बेसिकली इसका यूज क्या है कि इट गिव्स डायरेक्शन, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट वेक्टर समझ में आ गया, बहुत बड़ा कुछ नहीं था, बस बेसिकली काम है इसका डायरेक्शन देने का। अब हम लोग देख लेते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो बेसिकली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, क्या होता है कि वेक्टर जो है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी जब मूव में आता है, मोशन में आता है, तो वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी, एक्स वाई और जेड में, एक्स वाई और जेड में। तो कभी भी हम लोग को एक्स वाई और जेड का डायरेक्शन बताना था तो उसी को हम लोग क्या कहें, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहें। एक्स का डायरेक्शन अगर हमको बताना था कि एक्स एक्सिस पे घूम रहा है तो इसको हम लोग कहते थे आई कैप, वाई पे घूम रहा है तो इसको हम लोग कह देते थे जे कैप,
और के पे घूम रहा है, जेड पे घूम रहा है, तो इसको कह देते हैं हम लोग के कैप। ये आई जे और के कैप क्या है? तो आई है यूनिट वेक्टर ऑन एक्स डायरेक्शन, जे है यूनिट वेक्टर ऑन वाई डायरेक्शन, और के क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े? यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, और अभी तक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का बात कर चुके हैं। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, और उसमें सबसे फर्स्ट जो है हमारा डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डॉट प्रोडक्ट जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग को दो कंडीशन जानना है। जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में दो कंडीशन क्या है? तो सबसे फर्स्ट कंडीशन होता है कि कोई स्केलर क्वांटिटी अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाता है तो क्या होता है, और कोई वेक्टर और वेक्टर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। तो जब भी स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो वेक्टर क्वांटिटी ही उसका आंसर आएगा। बट क्या हो रहा था कि जब वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा था तो दो आंसर आ रहा था, दो तरह का। एक बार एक कंडीशन में स्केलर क्वांटिटी आ जाता था, और एक कंडीशन होता था जब वेक्टर क्वांटिटी आ जाता था। जैसे एग्जांपल में वर्क क्या है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर और वेक्टर इनटू हो रहा है तो हो सकता है स्केलर भी आ जाए और हो सकता है वेक्टर भी आ जाए। तो उस सिचुएशन जहां पे स्केलर क्वांटिटी आ रहा था वेक्टर और वेक्टर को इनटू करने पे, उसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहें। उसे ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कहें। और जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर क्वांटिटी आ रहा था तो उसको हम लोग क्या कहें? क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग इसी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का बात करने जा रहे हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। कभी भी किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो वैसे मल्टीप्लीकेशन को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट करते हैं। और इसमें मल्टीप्लीकेशन का साइन जो होता है वो डॉट होता है। मान लीजिए ए एक क्वांटिटी है और बी एक वेक्टर क्वांटिटी। ए और बी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ए और बी को जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट किए, दोनों स्केलर था जिसको मल्टीप्लीकेशन किए, तो वो क्या आ गया? दोनों वेक्टर था, मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या है? स्केलर। तो ऐसे क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है और इसका आंसर आता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। सीधा सा बात है कि दो क्वांटिटी अगर वेक्टर है और उसका मल्टीप्लीकेशन पे हमें स्केलर मिल जाए तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और उसका जो होता है फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये ए बी कॉस थीटा जो है ये आया कहां से? बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये हो रहा था, तो बेसिकली ये फॉर्मूला आ कहां से रहा था? तो मान लीजिए ये क्वांटिटी ए है और ये क्वांटिटी बी है और इस दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये बी तो ऑलरेडी है और ये जो है ए है। मान लेते हैं हम इसका अभी जस्ट पर रिजोल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? इस वाले पार्ट में इसका साइन थीटा आएगा और इस वाले पार्ट में इसका क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा। तो जब इस वाले पार्ट में इसका ए कॉस थीटा आ रहा था और ये बी ऑलरेडी यहां पे है, तब ना यहां से ये दोनों का फॉर्मूला आया। मान लीजिए यहां बी नहीं रहता और ए रहता, तब क्या करते? यहां थीटा रहता, तब पर भी क्या होता? जब इसका रिजोल्यूशन निकालते इस पार्ट में क्या होता? बी कॉस थीटा।
फिर से क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन में चला जाता और इसका फाइनल प्रोडक्ट आ जाता। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बना, ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट इससे जस्ट अलग है, डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान है। इसका आगे कुछ स्पेशल केसेस और ऑर्थोगोनल डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। और उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का एक अलग सा वीडियो बनाएंगे और ये चैप्टर को समाप्त करेंगे।